नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। भाजपा के नेता बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के बैरिकेडिंग को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया और आम आदमी पार्टी के मुख्यालय तक पहुंचे। बाइट पूर्व महापौर जयप्रकाश, आम आदमी पार्टी को खुला गई है क्योंकि सरकारों का काम होता है अपनी उपलब्धियां गिनाना। दिल्ली में उनकी सरकार है 8 साल से, उन्होंने कुछ नहीं किया। जब से पंजाब में सरकार आई, पंजाब में रोज लोगों की मौतें हो रही हैं, वहां पे अशांति फैल रही है, कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है। जिस पुलिस को पंजाब की कानून व्यवस्था को संभालना चाहिए उनको उन्होंने टूर पे भेज दिया है। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अरे बग्गा जी ने एक ट्वीट किया था, ट्वीट का जवाब वो देते, आप उनको कोई नोटिस देते, अगर नोटिस दिया था उसका जवाब देते। लेकिन चुपचाप उनके घर जाना, 50 पुलिसकर्मियों को लेके जाना, उनके बूढ़े माँ बाप के साथ धक्का मुक्की करना, उनकी पिटाई करना और फिर उसको उठा के लेके जाना, ये कौन सा कानून है? आप राज्य सरकार, राज्य पुलिस हो, दिल्ली की पुलिस को आप सूचना देते फिर कोई कार्रवाई करते। बिगैर सूचना दिए अंधेरे में किसी को उठा के ले जा रहे हो, इसका मतलब ये साजिश है और साजिश का पर्दाफाश हुआ है और अब ये आगे साजिश नहीं चलेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार हमेशा कटघरे में खड़ी रहती है। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, सड़कें टूटी हुई हैं, अस्पतालों की हालत खराब है, दवाइयां हैं नहीं, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। अभी 2 दिन पहले पंजाब उसके आतंकवादी पकड़े गए हैं, वो उन घटनाओं से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन साजिश भी नाकाम होगी, आतंकवादी भी पकड़े जाएंगे और देश कानून से चलेगा। हम कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं और अराजक लोगों के खिलाफ आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है, उसको आज हमने उठाया है। जिस पंजाब पुलिस को पंजाब में कानून व्यवस्था दुरुस्त हो उसके लिए काम करना चाहिए, उसको उन्होंने दिल्ली भेज रखा है। अरे दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस है, आपके पास कोई नोटिस था तो राज्य पुलिस को आप सूचित करते फिर कार्रवाई करते। लेकिन चुपचाप एक कार्यकर्ता को उठाना, ये कौन सा आपका नैतिकता है? इसलिए आम आदमी पार्टी अनैतिक पार्टी है, अराजक पार्टी है, उसके हम निंदा करते हैं और आज हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में आंदोलन ही एक जरिया है गलत लोगों को ठीक करने का, तो गलत लोगों को ठीक करने के लिए हम लगातार आंदोलन करेंगे, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे अराजकतावादी हो, चाहे पंजाब पुलिस का दुरुपयोग हो। लड़ेंगे और हम उनके साथ चट्टान की तरह, ताकत की तरह खड़े रहेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद जय प्रकाश जी। इसी बीच दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन कर्नल ओब्राय भी हमारे बीच में है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में विदुरी जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। वक्ताओं की अगली कड़ी में हमारे बहुत जुझारू विधायक गोंडा से हमारे विधायक भाई अजय माधव। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए जीटीवी न्यूज चैनल के साथ।